दोस्तों नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं हूँ अरुंधति और आप देख रहे हैं गार्डनिंग विद अरुंधति। आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। दोस्तों ये है मेरे पिछले साल की लास्ट शॉपिंग, यानी कि 31 दिसंबर को ये मेरी बेटी लेके आई थी मेरे लिए। और ये सारे प्लांट्स को आज मैं रिपोर्ट करने वाली हूँ। एक प्लांट को तो एक बर्बीना था, उसको मैंने रिपोर्ट कर लिया है कल शाम को ही, तो उसको भी मैं दिखाऊंगी अंत में। तो वीडियो को पूरी देखते रहिए, अंत तक बने रहे मेरे साथ। और दोस्तों पहले मैं ये जरबेरा का प्लांट लगाऊंगी। ये देखिए कितनी खूबसूरत सा कलर है और बहुत ही हेल्दी प्लांट है। और इसके जो आई है और इसके चारों तरफ जो सर्कल बना हुआ है वाइट का, ये बहुत ही खूबसूरत बनाता है। और ये देखिए मैं पहले इसके लिए ले रही हूँ, ये मिट्टी का पॉट ले रही हूँ। इसके पहले मैं ये जो होल है इसको मैं कवर करती हूँ। और दोस्तों जब भी आप जरबेरा का प्लांट लगाएं तो मिट्टी के पॉट में लगाएं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये प्लांट बहुत जल्दी फंगस का अटैक हो जाता है। तो इसीलिए इसको मिट्टी के पॉट में ही लगाना चाहिए। दोस्तों मैं पहले इसको निकाल लेती हूँ पॉली बैग से। बहुत ही बड़ा पॉली बैग है और इनमें दो प्लांट हैं, दिखाती हूँ। ये देखिए पूरी तरह से लाल मिट्टी में है और ये देखिए बहुत ज़्यादा चिपचिपा सा है, तो इसको तो निकाल लेना ही चाहिए। रूटिंग तो बहुत अच्छी हुई है। ये लाल मिट्टी प्लांट को फिर ख़राब कर देगा, तो मैं ज़्यादा तो नहीं निकालूंगी, फिर भी 60% तो निकाल ही लूँगी। ऊपर से थोड़ी सी, नीचे से तो निकाल ली है, और नीचे से और ऊपर से भी थोड़ी सी। यहाँ देखिए ये यहाँ पर ये एक प्लांट है और ये एक प्लांट है, दो प्लांट है इनमें, तो फायदे का सौदा ही हुआ है। और ये क्राउन पार्ट है, इसको हमें ऊपर रखना है। यहाँ से ये क्राउन पार्ट है, इसको हमें ऊपर रखना है, क्योंकि यहीं से बर्ड्स निकलती हैं। और यहाँ देखिए और एक बर्ड भी यहाँ से निकल रही है, यहाँ से पत्ते भी यहीं से ही निकलती हैं। और यही एक एरिया है जहाँ पर फंगस ज़्यादा लगता है, तो मैं बस इतना ही रख रही हूँ। ये मिट्टी, पुरानी मिट्टी, और ये जो हम इसके जो रूट है थोड़े से ऊपर करके ही इसको लगाएंगे, ताकि ये दबे नहीं। अच्छी तरह से दबा देने से ये जो एयर पॉकेट नहीं रहेंगे। और इसके जो खराब पत्ते हैं इसको हमें निकाल देना चाहिए, वैसे ज्यादा नहीं, एक ही पत्ता था। अब मैं ये बर्बीना प्लांट को लगाने वाली हूँ। ये देखिए कितना घना हुआ है ये प्लांट और बहुत ही अच्छी ग्रोथ पर है ये, और फूल देखिए कितने खूबसूरत है। अभी मैं पहले इसको मिट्टी को निकाल लेती हूँ। ये सारे प्लांट लाल मिट्टी में हैं और ये विंटर प्लांट है, इसको बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करना नहीं चाहिए। फिर भी नीचे से मैं थोड़ी सी निकाल लेती हूँ,
प्लास्टिक के पॉट में लगा रही हूँ। ये देखिए, ये प्लांट भी लग के तैयार हो गया है। कितना खूबसूरत लग रहा है ये देखिए। ये देखिए, ये प्लांट चिकनी मिट्टी में लगा हुआ है। ये देखिए, ये लाल मिट्टी में बाकी दो प्लांट लगाई हैं मैंने जो, और ये रही, ये बिल्कुल इसको मैं इस पॉट में लगाऊंगी, प्लास्टिक का पॉट है। और ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा सैंडी सॉइल है, ये देखिए रेतीली मिट्टी है ये एकदम। तो इसे थोड़ी सी बस खोल देना है रूट बाउंड को, तो ये फिर अच्छी तरह से ग्रो करेंगे। कितना खूबसूरत प्लांट है। ये देखिए दोस्तों, मैंने ये जो गुड़हल है इसको भी लगा लिया है, और इसमें ये बास्केट लगा हुआ था, प्लास्टिक का बास्केट, तो इसको मैं निकाल लिया है इसको, और ये क्लिप नहीं बना पाई, तो कोई बात नहीं। तो फिर ये चार प्लांट मेरे लगकर तैयार हो चुके हैं। और ये देखिए, कितने सारे लाल मिट्टी अभी निकला है, तो इसका भी कुछ करेंगे। तो फिलहाल हम इस प्लांट को अभी पानी दे देंगे, फंगीसाइड वाला पानी। और दोस्तों ये देखिए, मैंने ये पानी मिला के रखा हुआ था पहले से ही, तो इन्हें अच्छी तरह से पानी दे देंगे। तो दोस्तों ये देखिए, मेरे ये पांचों प्लांट लगकर तैयार हो चुके हैं, मतलब चारों प्लांट लगकर तैयार हो चुके हैं। ये प्लांट तो मैंने कल ही रिपोर्ट कर लिया था, और इसकी फ्लावरिंग देखिए बहुत ही प्यारा सा है, और इनमें वाइट, पर्पल, वायलेट तीन कलर का शेड आता है, तो बहुत ही प्यारा लगता है ये देखिए। और ये वाइट भी देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो दोस्तों यही था एक छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ। फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।